किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस का सक्सेस और फ्लॉप होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है पेमेंट। अगर आपके बिजनेस में आपको टाइम से पेमेंट मिल रहा है तो आपका बिजनेस सफल होगा, लेकिन अगर आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा तो असफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चीज का सोल्यूशन मार्केट में आ चुका है और आज का ये वीडियो उसी सोल्यूशन के ऊपर में बेस्ड है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने बिलिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें हैं, आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। जैसे जो भी रिसीवेबल्स हैं या जो भी आपका पेएबल अमाउंट होता है, उन सभी चीजों का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, प्रॉपर वे में आप इसका इनवॉइसिंग कर सकते हैं और वो भी जीएसटी के साथ, क्योंकि जनरली जीएसटी इनवॉइसिंग या रिटर्न वगैरह का फाइलिंग करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल्स को हायर करने पड़ते हैं। ये सारा काम अब आप खुद से कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्टाफ के अपॉइंटमेंट किए बगैर। यानी कि एक वेबसाइट से आपका दो फायदा है। सबसे पहला कि आपको किसी नए स्टाफ को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपका सीधे सीधा पूरा का पूरा पैसा बचेगा। वही दूसरा, आपको पेमेंट मिलने में आपको आसानी होगी। इस वेबसाइट का नाम है स्वाइप ईजी। स्वाइप ईजी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वेबसाइट पर पहुंचिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे कैसे करता है और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको कैसे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको करना होगा साइनअप। मैं आपके सामने में आपके साथ साथ मैं ये काम करता जाऊँगा। जब आप साइनअप करेंगे, इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, आप अपना नाम बताइए और फ़ोन नंबर दीजिए। ये मैं अभी आपके सामने में पुट ऑन करता हूँ। सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेटअप एन अकाउंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पूछ रहा है कस्टमाइज योर अकाउंट। यहाँ पर आपका किस टाइप का इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी कंपनी है उसका इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा। जो भी आप रिलेटेड हैं आप उससे डालिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंसल्टेंसी फॉर्म डाल दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ़ इम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो चलिए जितने भी आपके इम्प्लॉयज़ होंगे आप डाल दीजिएगा। मैंने अपने नंबर ऑफ़ इम्प्लॉयज़ डाल दिए। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं। तो जो भी नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो आप डाल दीजिए और इसके बाद इसमें कंप्लीट सेटअप आपका अकाउंट हो जाएगा। स्वाइप ईजी में आप चाहें तो आराम से अपना ऑनलाइन इनवॉइसिंग आप रेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट पर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं क्रिएट इनवॉइस से मैं क्लिक करता हूँ। क्रिएट इनवॉइस पर आना है और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनवॉइस का एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। और जैसे ही आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने में ये कुछ बना बनाया फॉर्मेट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और अपना जो कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ डाल देना है। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इनवॉइस आपका ये सेव होगा, ये ऑटोमेटिक इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पर ये सेंड हो जाएगा। मैं आपको प्रॉपर लाइव दिखाऊंगा। तो मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर है, इसमें मैंने डाल दिया बुक, टाइम पीरियड को मैंने रहने दिया, जीएसटी मैंने सेलेक्ट किया 12% और ये अमाउंट मैंने डाला 20,000 का। जैसे ही मैंने 20,000 का अमाउंट डाला, ये अपने आप से ये सारा टैक्स का कैलकुलेशन करके ये नीचे में शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट कॉस्ट कितना आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना है सेव एंड सेंड। जैसे ही सेव करेंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक सेव और ऑटोमेटिक ये ईमेल पर भी चला जाएगा, जिस भी कस्टमर का ईमेल आपने डाला होगा। जैसे यहाँ पर मैंने खुद ईमेल डाल दिया है तो ये हमारे ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ था तो यहाँ पर आ गया है पेमेंट रिक्वेस्ट का। ये यहाँ पर इस टाइप का टैक्स इनवॉइस ऐसा बन के आ जाएगा क्लाइंट के पास में। क्लाइंट के पास एक अच्छा ऑप्शन ये भी होता है कि इस चीज़ को वो पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं या इसको व्यू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू आप करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि अगर आप पेमेंट भी ऑनलाइन कलेक्ट करना चाहते हैं स्वाइप ईजी के माध्यम से तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और रजिस्टर करें। स्वाइप ईजी के आप डैशबोर्ड पे आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट पेमेंट के ऑप्शन में क्रिएट इनवॉइस, क्रिएट एस्टिमेट, बल्क अपलोड, ये सारा कुछ यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में दिया हुआ है। और ये आपका डैशबोर्ड है, आपने कितने कस्टमर हैं आपके, एक, अभी जैसे मैंने अभी जस्ट एक का ही बनाया और 22,400 रुपये का यहाँ पर शो करा, चूँकि 20,000 का टोटल अमाउंट था और 24 रुपये का ये टैक्स दिखा रहा। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड पे हर बार ये शो करेगा कि आपने कितने का इनवॉइसेस रेज किए हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको यहां पर रिपोर्ट देखेगा, यानी आपने कितने इनवॉइसेस दिए, कितने लोगों से पेमेंट आपको लेना है। वहीं अगर आपको भी किसी ने इनवॉइसेस दिए थे जिनसे आपको आपको पेमेंट जिनको देना है उसका भी रिकॉर्ड यहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट्स,
कलेक्ट पेमेंट, रिक्वेस्ट यानी अगर किसी और ने भेजा होगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट में आएगा, ट्रांजैक्शंस यानी किसी को आपने दिए होंगे वो सारा डिटेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टैक्सेशन में, आपको बिलिंग का प्रोसेस में, जीएसटी के फाइलिंग में, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा, आपको किसी भी बड़े प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वाइप इजी का यूएसपी क्या है? स्वाइप इजी के माध्यम से किसी भी बिजनेसेस का जो भी आपका रिसीवेबल्स है या पेबल्स है या टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। इतना ही नहीं, स्वाइप इजी के माध्यम से आपका जो भी टैली का अगर सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं बावजूद आप चाहें तो स्वाइप इजी के माध्यम से आप काम कर सकते हैं, चूंकि ये टैली स्वाइप इजी पर भी आराम से काम करता है, कॉम्पैटिबल है। चूंकि स्वाइप इजी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इसीलिए आप इसके माध्यम से आपका जो भी पेमेंट का जो सिस्टम है ना वो फास्ट हो जाएगा, वो लेना देना वाला कार्यक्रम पूरा फास्ट हो जाएगा। स्वाइप इजी के माध्यम से आपका जो भी ये फाइनेंशियल ऑपरेशन है इस चीज को आप चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका इनवॉइसिंग हो गया, पेमेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, जीएसटी का बिलिंग वगैरह हो गया, इन सारी चीजों को आप ऑटोमेशन में भी ला सकते हैं। इनवॉइसिंग हो गया, पेमेंट कलेक्शन हो गया, बल्क पे आउट हो गया, जीएसटी हो गया, इन सारी चीजों में आपको मदद करेगा स्वाइप इजी। स्वाइप इजी को यूज करके बहुत सारी कंपनियों का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 30-40% तक का बढ़ा है, तो आप भी इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी उस लिंक पर क्लिक कीजिए और स्वाइप इजी के साथ जुड़कर आप भी अपने बिजनेस के रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाइए। स्वाइप इजी की वेबसाइट पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भरिए, आपको स्वाइप इजी के मैनेजमेंट की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपको एज ए मर्चेंट के तौर पर आप भी स्वाइप इजी के प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वहीं आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।